कैसे आप सभी लोग, वी होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है दिवाली और आज हम आपको अपना आज का व्लॉग शेयर करने वाले हैं कि हम दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, तो आज के पूरे व्लॉग में ये होगा कि हम आज की दिवाली कैसे मनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी तो हो रही है सुबह के 8 और अभी हम सब उठ चुके हैं और अभी हम कर रहे थे क्ले से कुछ काम। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने केक बनाया है। मैं यहाँ पे व्हाइट क्ले से चावल बना रही थी और माही यहाँ पे चावल बना रही थी, मिठाइयाँ माही मिठाई बना रही थी और मेरा ये रख केक प्यारा है ना। अभी तक हम यही कर रहे थे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बोर हो रहे थे, नानी दाई सीरा कुछ कर रहे थे, तो हमने सोचा कुछ आर्ट करते हैं। तो हमने निकाली अपने क्ले और अपने माइंड की आर्ट खोली और बनने लगे शुरू। सो गाइस, आज जो जो होगा हमारे दिन में हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहें। सो गाइस, अभी हम नहा धो के हो गए हैं रेडी और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं फूलों की माला और जो कि है अशोक की पत्तों, अशोक की पत्तियां और अशोक की पत्तियां और फूलों की माला। तो चलो मिलते हैं आपको जब हम पूरी मालाएं बना देंगे। सो गाइस, आप सब जानते ही होंगे कि हम उत्तराखंड के और उत्तराखंडी कल्चर में ये होता है कि दिवाली की सुबह उड़द दाल के पकोड़े बनते हैं। तो यहाँ पे उड़द दाल पिस के आ गई है और जो अभी आपने देखा येलो येलो कलर की, वो भी उड़द दाल ही थी बट उसमें मम्मी ने थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया था तो इसलिए वो थोड़ी येलो लग रही थी। और मम्मी ने साथ ही साथ चने दाल के पकौड़े बनाए थे जिसका बैटर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा चने दाल के पकौड़े का बैटर और मम्मी ने दोनों दालों के बैटर के कुछ पकोड़े बना लिए। ये है चने दाल के पकोड़े और ये है उड़द दाल के पकोड़े। अभी मैं अपनी गोल गोल पूड़ियों को बेल रही हूँ। कुछ तो ऐसे हो जा रही है जिनकी शेप कुछ ऐसी हो रही है, कुछ ऐसे हो जा रही है जो एक से ऐसी हो रही है और एक जगह से ऐसी हो रही है। तो क्या करूं, पर मैंने तब भी हार नहीं मानी और मैंने पूड़ियां बेली और मम्मी को दी। गाइस, मेरी भी चार मालाएं तैयार हैं, मतलब कि मैंने ये चार मालाएं बनाई अलग अलग साइज की, छोटी दो बड़ी और एक फूल की माला। तो ये रही मेरी मालाएं और इसमें बहुत मेहनत लगी है गाइस। कुछ कुछ समय सुइयां मेरे हाथ पे चुभ गई थी यहाँ पे और एक यहाँ पे चुभ गई थी, पर कोई बात नहीं, तभी मैंने चार मालाएं बनाई। मैंने कितनी अच्छी पूड़ियां बनाई है और ये है मंदिर का प्रसाद और ये टीका बस। सो गाइस, मालाएं बनाने के बाद हमने खाना वाना खा लिया था, फिर हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे एंड अभी हम उठ गए हैं और अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं अभी और फिर अब हम जा रहे हैं मार्केट सामान वामान लेने। तो चलो चलते हैं। सो गाइस, मार्केट से आने के बाद हम चले गए थे अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देने एंड उसके बाद हमने थोड़ी सेंटर टेबल वगैरह सजाई। तो मैंने सोचा इसको क्या रिकॉर्डिंग करना, देन अब हो गया है टाइम पूजा का, तब हम कर रहे हैं पूजा। Thank you.
गाइस पूजा करने के बाद हम चले गए बाहर पटाखे वटाखे फोड़ने। और मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ कि यहाँ हमारी गली में कैसी लाइटनिंग हो रखी है। तो बहुत सुंदर लग रहा था हमारी गली का नज़ारा। फोड़ के आ गए हैं और अब हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इतना थक गए हैं ना हम कि क्या बताएं गाइस। इतनी भयंकर वाली हालत हो रही है एकदम। जैसे हम सोचे थे दिवाली से पहले होगी हमारी हाई लेवल वाली एक्साइटमेंट, दिवाली के बाद होगी हाई लेवल वाली सैडनेस, पर दिवाली के दिन क्या होगा, हाई लेवल वाली हालत खराब। हाँ गाइस इतनी हालत खराब। हाँ तो यहीं पर हम एंड करते हैं अपना आज का व्लॉग। हम अपना खाना वाना खाते हैं और हम यहीं पर अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। सो गाइस कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और मंदिर का घंटा भी बजा देना क्योंकि आज दिवाली है। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना जिससे हमारे चैनल की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।